सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को शराब के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इतवार की सुबह ईडी के एहलकार इनसे पूछताछ कर रहे थे। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने मीडिया को बताया कि इम्कान है कि इन्हें ईडी हुक्काम गिरफ्तार कर लेंगी, इसलिए दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक को मोड़ दिया गया। शराब स्कैम में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमात में मसरूफ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।